आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। कौशल किशोर, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, उसमें हमारे चार वर्ग के लोग पूरी तरीके से कोरोना योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, जिनको कोरोना योद्धा की संज्ञा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। एक तो पुलिसकर्मी जो भूखे रह करके दिन रात मेहनत करके लॉकडाउन का पूरा पालन करा रहे हैं, अगर कहीं मरीज पता चलता है तो उसको उठा के ले जा करके अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह और उन पर हमले भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो पूरी तरीके से देशभक्ति का निर्वाह करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट का इलाज भी कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं और अपने को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। हमारे मीडिया के लोग भी जो हैं, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे विजुअल मीडिया के लोग हों, वो सारे के सारे लोग भी ऐसी स्थिति में कहाँ कौन सी किन लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है, उनकी बात को उजागर करके उनको मदद पहुँचाने में काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारे देश के जो सफाई कर्मी हैं, वो सफाई कर्मी भी इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी ड्यूटी का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं और सफाई पूरी तरीके से करके स्वच्छ भारत को बनाने में मदद करने का काम कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस गंदगी की वजह से फैलने ना पाए। तो ये सारी चीज़ों का कि जो लोग चार लोग कोरोना योद्धा है उनका स्वागत करने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। आज अभी स्वागत कार्यक्रम अटरिया थाने पर वहाँ के पुलिसकर्मियों का, फिर उसके बाद जो है आज यहाँ आपके सिधौली थाने पर और कुछ पुलिसकर्मियों का और जो वहाँ काम करते हैं चौकीदार हैं वो लोगों का है। मेडिकल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ पे स्टाफ के लोग जो हैं डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, आशा बहुएं थी, सफाई कर्मी थे उनका, और यहाँ कुछ हाकर्स जो अखबार बेचते हैं उनका, मीडिया कर्मियों का, और यहाँ पर आज टाउन एरिया के अंदर उन सफाई कर्मियों का भी हम सब लोगों ने मिल करके स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और सांकेतिक के रूप से, और उनका अभिनंदन इसलिए किया है क्योंकि वो सब लोग पूरा कोरोना वॉरियर्स के रूप में यानी कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, उनके बदौलत ही पूरी तरीके से कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान इसी तरीके से जीतेगा। हमारी अपील भी सभी लोगों से है कि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंस एक आदमी से एक आदमी के बीच की दूरी एक मीटर कम से कम बना करके रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं, कोई माला पहना है वो माला पहनने की ज़रूरत नहीं है, किसी का दिया हुआ कोई सामान अगर साफ़ सुथरा नहीं है, हाथ धोया हुआ नहीं है, तो ऐसे में लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने को बचाने की ज़रूरत है। और इस तरीके से अगर अपने को साफ़ सुथरा रखने का काम करेंगे और लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया उन अगर सावधानियों को पूरी तरीके से अपनाने का काम करेंगे तो कोरोना वायरस निश्चित तरीके से ख़त्म होगा और फिर से हमारा हिंदुस्तान दुनिया में नंबर एक पे जाएगा। कोरोना वायरस से लड़ने की जो थीम माननीय मोदी जी ने निकाली है उसी का अनुपालन आज पूरी दुनिया के लोग करने का काम कर रहे हैं।